प्रेजेंट टीचर। देखिए अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि हम उसे कहते हैं जो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है, या उन्हें हम कह सकते हैं लिपि कहते हैं। अब देखिए विश्व में विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। जैसे कि हम हिंदी को ले लेते हैं, संस्कृत को ले लेते हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि आपकी बाएं से सीधे दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसी प्रकार से अनेक भाषाओं को लिखने के लिए भी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। यूरोप की अधिकांशतः भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, यूरोप में जितनी भी भाषा बोली और लिखी जाती है वो अधिकांशतः रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अरबी, उर्दू, फारसी। ये सब क्या है? अरबी भाषा है, उर्दू भी भाषा है और फारसी भी भाषा है। लेकिन ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो फारसी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इसी प्रकार से हम पंजाबी भाषा को ले लेते हैं, तो इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली में भी किया जाता है।